विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके आयोजन का मुख्य मकसद लोगों को इस बीमारी से बचाव और इलाज के लिए जागरूक करना है। आम तौर पर कैंसर को लोग लाइलाज मानते हैं, जबकि समय पर इस बीमारी की पहचान और इलाज से मरीजों की जान बच रही है। वहीं जिले में कैंसर के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 10 माह के अंदर करीब 30,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 46 मरीज कैंसर के पाए गए। विश्व कैंसर दिवस पर आइए जानते हैं क्या है चिकित्सकों की सलाह। आज का दिन वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से जाना जाता है, जो 4 फरवरी का दिन होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले विगत 3 वर्षों से कैंसर से लड़ाई के बारे में कहा है कि प्रिवेंशन और यूनिटी, ये दो चीज़ की तरफ हम लोग करें, बढ़ते हैं आगे। तो प्रिवेंशन में हमेशा अवेयरनेस जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कि सबों को जागरूक करना कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। आज के समय में अगर विश्व में प्रथम 10 कारणों को लिया जाए तो कैंसर का स्थान जो है वो 6ठे स्थान पर अभी के हिसाब से है। सबसे प्रमुख कारण तो हृदय रोग है, लेकिन कैंसर 6ठे स्थान पर है। और कैंसर में जो विभिन्न प्रकार के कैंसर है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जो होता है महिलाओं में होता है वो, लंग कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है यानी पेट में जो आंत है उनका कैंसर होता है, प्रोस्टेट का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, जो ये प्रमुख कारणों में आते हैं हमारे यहाँ। खासकर हमारे अन्य क्षेत्र और आसपास के बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश और कई सारे इस टेरिटोरियल एरिया में अगर आप लेंगे, देखेंगे कि लोग यहाँ खैनी का सेवन ज़्यादा करते हैं, और खैनी खाने वालों में अक्सर कैंसर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा कारण या तो हमारे महावीर कैंसर संस्थान की रिपोर्ट के हिसाब से, या CMC वेलोर के हिसाब से, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के पूरे ग्रुप के स्टडी के हिसाब से, माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो है वो निकोटीन है। और खैनी आप खाते हैं उस समय आपको लगता है कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बहुत लोग खा रहे हैं, लेकिन जब होता है तो एक परिवार बर्बाद नहीं होता है, समाज भी बर्बाद होने लगता है। और लोगों को ये समझ बहुत बाद में आती है कि इससे बचा जा सकता था। सिगरेट इसी तरह है, स्मोकिंग से लंग कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, लंग में, ट्रेकिया में, श्वास नली में जो कैंसर होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है, इन सब चीज़ों से बचाव का। और अभी जो बातें हुई है इस वर्ष के लिए स्लोगन आया है WHO का कि टुगेदर वी कैन चैलेंज, और वी शुड रादर चैलेंज दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ केयर्स। इसका मतलब है पूरा कि हम लोग मिलकर अगर काम करें, अगर जनता और चिकित्सा क्षेत्र में जितने सारे लोग काम करते हैं, सारे लोग मिलकर काम करें, एंड वी चैलेंज दोज हु आर एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, यानी जो हमारे राजनेता है मैं कहूँगा, जो लोग इसके लिए तय करते हैं कि कहाँ कितना सरकार के द्वारा क्या योगदान होना चाहिए, या विभिन्न तंत्रों के द्वारा क्या होना चाहिए, हम लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए मिलकर और लड़ाई करें और कैंसर को हम लोग दूर करने की कोशिश करें, कैंसर पर विजय पाने की कोशिश करें। अभी विश्व में 17 देशों ने हाथ बढ़ाया है, जिन लोगों ने WHO के प्रोटोकॉल के हिसाब से कैंसर के लिए विभिन्न प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया हुआ है, और वो मैंडेटरी है स्क्रीनिंग कैंसर का करना, यानी देखना कि कैंसर, जो कैंसर मैंने आपको बताया वो कैंसर है कि नहीं जनता में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही 28 देश ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को, जैसे खासकर जो लड़कियां होती है, जो 12 से 14 साल की लड़कियां होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होता है जिसको देने से आप 100% जो कैंसर होता है, गर्भाशय का कैंसर होता है, उससे आप बचा सकते हैं। सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। और ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन सरकार ने इस बार तय किया है कि वो फ्री बांटेगी, और पूरे भारतवर्ष में सरकार ने इस बार के बजट में भी उसको डाला है, हम लोग करेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है गवर्नमेंट का, और हम लोग सारे लोग अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस करिए कि 12 से 14 साल की जितनी बच्चियां हैं जो स्कूल गोइंग एज में हैं, उन सबको वैक्सीनेशन उसी तरह से होना चाहिए जैसे आपने कोविड में खड़े होकर वैक्सीन लिया है, पोलियो के अगेंस्ट में वैक्सीन लिया और पोलियो को समूल जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। कोविड पर विजय आपने देखी कि हमारे देश ने किस तरह से विजय पाई है कोविड पर। तो इन सब बातों को लेकर आप ये ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन जो होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV वैक्सीन कहलाता है, आप अपने घर में जितनी बच्चियां हैं 12 से 14 साल के बीच की, उनको आप सब दिलवा दीजिए। और दिलवा देने से प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट 96-100% प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर आप ये वैक्सीन देने में देरी करेंगे, 15-16 साल में देंगे, तो ये प्रोटेक्शन रेट जो है वो 80-85% पर आ जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है जनता से, जो भी मेरी बात जहाँ तक भी जा रही हो, पहुँच रही लोगों को, कि जिनके घरों में जो बच्चियाँ हों या आसपास बच्चियाँ हों, बच्चियों के स्कूल हों, वहाँ अपने बताएं
कि 12 वर्ष या उससे कम में भी, इवन 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच की जितनी बच्चियाँ हैं उन सबको इस वैक्सीन को दिया जाए। और ऐसे सारे लोग जो खैनी का सेवन करते हैं, ऐसे सारे लोग जो तंबाकू का सेवन विभिन्न प्रकार में करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग इसको त्यागें ताकि कैंसर से वो ही नहीं बर्बाद हो, उनका घर भी बच जाए और समाज भी बच जाए। तो गुड इवनिंग, मैं हूँ डॉक्टर अमृता प्रीतम, MDS प्रोस्टेटिक्स इन आश्रय नर्सिंग होम हटिया रोड भागलपुर। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे है, 4th of February, और जैसे मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रोस्टेटिस्ट हूँ तो मैं ओरल कैंसर या मुँह के कैंसर के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो ऐसा देखा गया है कि हर 1,00,000 लोगों में से ऐसे 20 लोग हैं जिनको ओरल कैंसर होता है या मुंह का कैंसर होता है, जो टोटल कैंसर में से 30% ऑफ द कैंसर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो क्योंकि ये मतलब ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, तो उसके लक्षण ऐसे होते हैं कि जो मुंह में देख सकते हैं पेशेंट, अपने मरीज अपने मुँह में जो देख सकते हैं, वो कुछ ऐसा देख सकते कि कोई वाइट पैच, जिसको हमारे टर्म्स में ल्यूकोप्लेकिया बोला जाता है, कोई रेड पैच उनके माउथ में, कोई ब्राउन पैच, रेड पैच रेथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ऐसा ब्राउन पैच मिलेगा, या कोई ऐसा अल्सर या छाला जो हील नहीं कर रहा है, सूख नहीं रहा है, 2 हफ्ते में भी वो सूखा नहीं है, हील नहीं किया है, या कोई चोट लगना, घाव लगना, ऐसा कुछ जो ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से लॉन्ग स्टैंडिंग केस है। और ज़्यादातर ऐसे मरीजों में ये सब चीज़ होता है जो गुटखा, पान, तंबाकू, गुल, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं, या फिर जिनके शार्प टीथ भी रहते हैं, तो ऐसे लोग, या कोई ऐसा डेंचर पहने हुए जो इल फिटिंग है, या कुछ ऐसा लगाए हुए मुंह के अंदर प्रोसेसेस जो ठीक नहीं है, तो उससे भी उनको कैंसर होने की चांसेस हो सकती है, जो इल फिटिंग डेंचर्स होते हैं, इस टाइप के कुछ लोग होते हैं। तो मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगी कि ये जो गुटखा तंबाकू इनका सेवन ना करें। कुछ चीज़ें हैं जो वो लोग खुद अपने आप को देख करके भी बता सकते हैं, जैसे कि खाने में स्वाद नहीं आना, और गला मुँह सूखना, गले में दर्द होना, स्वाद तीता तीता ज़्यादा लगना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको खुद देखना चाहिए अपने मुंह में, या कोई घाव नहीं सूख रहा है तो। और कैंसर का इलाज है, अगर उसको जल्द से जल्द चिकित्सक के पास अगर वो जाएं और उन्होंने ये पता कर लिया कि ठीक है उनको ओरल कैंसर है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो क्लिनिकली वो लोग देखते हैं कि मुँह में कैसा कैंसर है, फिर वो लोग कुछ एक्सरेज होते हैं, CCT होता है, MRI होता है, वो करा के देख सकते हैं, USG ऑफ नेक करा सकते हैं, कुछ भी जो भी उनका कहाँ तक एक्सटेंड किया है कैंसर, अगर वो एक्सटेंड भी कर गया है तो भी सर्जरी होकर के ठीक हो जाता है। एज अ प्रोस्टेटिस्ट हम लोग सर्जरी के बाद भी उनका फेस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा केस आया था जिसमें हमने एक मरीज का आँख, नाक और गाल बनाया है ऐसे, या फिर अगर उनका अगर कभी जबड़ा कट गया हो तो एक गाइड फ्लैंज होता है, तो हम लोग आर्टिफिशियल जबड़ा में कैसे मतलब उनको बना के भी दे सकते हैं, या फिर उनका बाइट को सुधार सकते हैं क्योंकि उनका आधा जबड़ा कट गया होता है, तो उन लोग खाने में भी प्रॉब्लम नहीं ऐसा हो, तो उसकी भी सुविधाएं ऐसे मौजूद हैं। तो बस उनको जागरूक होना चाहिए, अगर उनके मुंह में कुछ ऐसा दिखे या उनको थोड़ा भी डाउट हो तो अपने जो भी नियरेस्ट चिकित्सक है उनको जाकर दिखाएं। जो कैंसर का इंसिडेंस है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ने का बहुत सारा कारण है। पहले हम देखते थे कि पोल्यूशन लेवल जो था वो पोल्यूशन लेवल इतना नहीं था, जो कि अभी ये जो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है ये एक बहुत मेजर कारण है। पोल्यूशन जो एयर हम लेते हैं उसकी वजह से भी ये कैंसर का होने का चांसेस रहता है। उसके साथ साथ जो हम खा पी रहे हैं वो भी बहुत तरह से हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करती है। पहले जो हम खाना खाते थे वो प्योर होता था, अभी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और काफ़ी सारे स्टडीज़ में ये देखा गया कि ये प्रिजर्वेटिव्स भी कभी कभी किसी तरह का कैंसर कॉज करते हैं। अभी जो डाइट में तेल मसाला ये सब की क्वांटिटी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, ये भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, अब लोग हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उनको भी ये कैंसर होने का चांसेस रहता है। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, एक बैलेंस्ड डाइट रखें, जिसमें कि हमारा सारा चीज़ जो भी हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट हो वो पूरी होनी चाहिए। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, जो जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो जनरली डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि से नो टू टोबैको, टोबैको इन एनी फॉर्म इज़ वेरी डेंजरस। तो ये आपको पता है कि ये जो मैक्सिमम लोग जो गुटखा तंबाकू ये लेते हैं, और आपने कभी कितनी बार ये एड्स भी देखे हुए कि उनको माउथ कैंसर हो गया या इसोफेजियल कैंसर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको हमको खुद से सोचना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है।